नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। एसिडिटी की प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अधिकांश लोगों को एसिड की प्रॉब्लम रहती है। करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ एंटी एसिड के रूप में खाई जाती हैं जो केवल सिम्टम्स को दबाती हैं, उपचार नहीं करती। आप हर रोज एंटी एसिड खाते हैं और अपने एक दिन को निकाल लेते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव आपके शरीर के ऊपर कितने पड़ते हैं ये शायद आप जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं होता। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मात्र 5 मिनट में अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप मीटिंग में हैं कहीं या ऐसी जगह पर हैं जहां पर दवाई एंटी एसिड मेडिसिंस आसानी से उपलब्ध नहीं हो, तो भी आपके पास केवल यही एक उपाय बचता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इस उपाय को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एसिडिटी को हम कैसे कम करें अपने खान पान के द्वारा। एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और केवल योग का एक प्राणायाम। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं खान पान की। देखिए, एसिड हमारी बॉडी में रहता ही है। पित्त जो है, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन ये बैलेंस में रहने चाहिए। तो पित्त की आज हम बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं। तो पित्त से आयुर्वेद कहता है 40 प्रकार के रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। यदि पित्त आपका प्रकुपित हो जाए तो 40 प्रकार के रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। कौन से वो 40 प्रकार के रोग हैं? जैसे माइग्रेन, स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आईसाइट का वीक हो जाना, आईसाइट में आँखों की दूसरी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, आँखों में इन्फेक्शन आ जाना, बालों की प्रॉब्लम, हेडेक, लीवर की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज, पेट की समस्या, कई तरह की ऐसे रोग जो केवल पित्त के प्रकोपित होने से ही हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इस पित्त को हम संतुलन में कैसे रखें? सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। आहार हमारे जीवन का सबसे मुख्य रोल अदा करता है। हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार ही एक मुख्य भूमिका में काम करता है। तो अपने आहार को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपका पित्त का जो समस्या है ये ठीक नहीं होगा, आपकी एसिडिटी ठीक नहीं हो सकती। फिर वही रूटीन, हर रोज़ एक एंटी एसिड आपको खाना होगा और अपने 24 घंटे को निकालना होगा। कई बार वो एंटी एसिड काम नहीं करता, आपको 2-2 बार एंटी एसिड लेना पड़ता है। तो आहार में हम क्या करें? आहार में सबसे पहले आपको डब्बे बंद चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सकें आपको जितने भी पैक्ड फूड है इसको अवॉइड कर दें। दूसरा, आप भोजन को समय पर खाएं। समय निश्चित करें अपने आप रूटीन के अकॉर्डिंग आप निश्चित कर लें। वैसे तो 11 से 1 बजे का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है दोपहर के भोजन का, और सुबह ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो सुबह जब आप उठते हो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, या कुछ भी आप खाएं, एक एप्पल ही आप खाएं। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है आपको, तो एंटी एसिड का काम आपका वो एप्पल करेगा। सुबह उठते ही आप सबसे पहले पानी पिए। अब पानी कैसा पिए? यदि गर्मी का मौसम है तो पानी नॉर्मल पिए, सर्दी का मौसम है तो आप पानी को थोड़ा गुनगुना करके पिए, उसमें थोड़ा लेमन आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 से 2 गिलास सुबह आप पानी धीरे धीरे और बैठकर पानी पिए, खड़े होकर या चलते फिरते पानी ना पिए, हमेशा पानी को बैठकर ही पीना चाहिए। तो सुबह के समय आप पानी का सेवन जरूर करें। और तीसरी जो मुख्य बात है कि खाने में तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, इनका प्रयोग आप बिल्कुल बंद कर दें कुछ समय के लिए, जब तक आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने आहार को वास्तव में नियंत्रण तो करना ही होगा। बिना आहार के एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में जो है
एसिड की प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है, केवल एंटी एसिड खाकर आप सिम्टम्स को दबाते हैं, ये इलाज नहीं होता। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इलाज की बात कर रहा हूँ। अगर आप वास्तव में इसको ठीक करना चाहते हैं, आपको ये कभी नहीं हो, तो आपको इन खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। अपने आप सुबह के समय अपने खाने में नारियल पानी का प्रयोग करें, सुबह नाश्ते में या उससे पहले या उसके बाद आप सुबह 12 बजे तक आप नारियल पानी, एक या दो नारियल पानी आप अपनी उपलब्धता के अनुसार आप जरूर पिएं। और सबसे मुख्य बात, जो लोग चाय पीते हैं सुबह उठते ही, सबसे पहले जिनकी आंखें चाय पीने से ही खुलती है, वो उस चाय को छोड़ दें। यदि वह अपने बॉडी को स्वस्थ करना चाहते हैं, एसिड की प्रॉब्लम से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको चाय तो छोड़नी ही होगी। दूसरा एक मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, जो आपके मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के जो पहला जॉइंट है उसके ठीक थोड़ा सा नीचे, इसके मिडिल में आप देख लीजिए, ये मिडिल में, मिडिल फिंगर के ठीक ऊपर वाले जॉइंट से थोड़ा सा नीचे जो है, इस पॉइंट को आप दबाएं, इसको जो है इस प्रकार से अंगूठा रखें और यहां से आप इसको प्रेस करें। ये GB39 इस पॉइंट का नाम है, इसको दबाएं आप 30-40-50 बार इसको दबाएं। ऐसे ही इस फिंगर में, दूसरे हाथ के भी इसी फिंगर में आप इसको दबाएं। जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको दबा लीजिए, या अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम परमानेंट रहती है तो भी आप इसको दबाते रहें, दिन में 2-3 बार इसको प्रेस जरूर कर लें, जो है 40-50 बार इसको प्रेस करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने बताया कि अगर आप कहीं मीटिंग में हैं और आपको एसिड बन जाए तो आप क्या करें, आप करें उस समय शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना है, आपको अपनी टंग को रोल करना है, जैसे पक्षी की चोंच होती है उस प्रकार से आपको रोल करेंगे टंग को, श्वास को धीरे धीरे अपनी जीवा के माध्यम से अंदर की ओर खींचेंगे, श्वास को पिएंगे, श्वास का पान करेंगे, और फिर जब श्वास आपका अंदर चला जाता है उसको अंदर ही रोकिए कुछ समय, और बंद लगाएंगे। बंद कौन कौन से लगेंगे इसमें, पहला जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाना इस प्रकार से, चिन्ह को नीचे की ओर, तो गले की मांसपेशियों को पूरा संकुचित कर लेंगे, तो जालंधर बंद इसको कहते हैं योग की भाषा में। दूसरा मूल बंद, एनस भाग को, अपने मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर संकुचित कर लेंगे, तो ये मूल बंद हो जाता है। हम दोनों बंद इसमें लगाएंगे श्वास को अंदर भर के, आप एक बार देखेंगे कुछ समय रोकने के बाद फिर नॉर्मल नासिका से बंद हटाते हुए श्वास को छोड़ देंगे। एक बार ध्यान से देखिए आप, बंद हटाया, श्वास को धीरे धीरे नासिका से बाहर छोड़ दिया, जीवा के थ्रू अंदर लेंगे श्वास, रोकेंगे, बंद लगाएंगे, नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बंद का विशेष महत्व है प्राणायाम में। देखिए, बिना बंद के जो आप प्राणायाम करते हैं उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिल पाता। बंद, महर्षि पतंजलि जी जो हमारे योग के ऋषि रहे हैं, उन्होंने एक एक प्राणायाम पर बड़ी रिसर्च की है। जितने भी ऋषि रहे योग के हमारे, जिन्होंने योग को खोजा और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए योग को दिया, उन्होंने एक एक प्राणायाम के ऊपर बहुत रिसर्च की, तो उसको आप बिगाड़े बिल्कुल नहीं। आप बंद लगाए, बंद लगाने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता, आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, अगर आप उसको अधूरे तरीके से करेंगे तो लाभ भी अधूरा मिलेगा। तो श्वास को अंदर भरे, बंद लगाएं और ध्यान अपने श्वास के ऊपर, उसकी जो श्वास आप जीवा से अंदर लेते हैं वो शीतलता के साथ हमारे लंग्स में जाता है, उसको फील करो आप, वो स्टमक को आपके ठंडकता देता है, ये नाड़ियों का पूरा शरीर के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। तो आप जब भी प्राणायाम करें ध्यान से करें, आप कहीं भी हैं 5 मिनट के लिए आप ब्रेक करें और आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें, आप पाएंगे एसिडिटी आपकी तुरंत 5 मिनट में ठीक हो जाएगी, कोई दवाई खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको ज़रूर करके देखें और आप इसके लाभ आपको मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों पर हमने प्रयोग किया और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन विधि सही होनी चाहिए, विधि जब तक सही नहीं होगी
आपको लाभ नहीं मिलेगा। जनरली करने वाले और कराने वाले लोग बंधों के महत्व को नहीं समझ पाते और वो देखा देखी कई बार अधूरे ज्ञान के कारण गलत ढंग से सिखाते हैं। तो आप ठीक से सीखें और उसको ठीक से प्रयोग करें ताकि ऋषियों ने जो खोजा है उसकी भी गरिमा बनी रहे, उसके महत्व को पूरा लोगों तक पहुँचे। आप सभी लोग आयुर्वेद का भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में क्या, आपको अगर लंबी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो आयुर्वेद में आप घर में आपके मुलैठी, आप आधा चम्मच मुलैठी पाउडर ले लें और एक चम्मच साबुत धनिया, इसको आप भिगा दीजिए लगभग 10-12 घंटे जो है ओवरनाइट आप भिगा रहे, और सुबह आप इसके पानी को पी लीजिए जो है छान कर। धनिया और मुलैठी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, अगर आपको आप आसानी से खा सके तो खा लीजिए उसको, तो नहीं तो पानी पी लीजिए। तो उस पानी को पीने से भी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपका गॉल ब्लडर जो है वो हेल्दी होगा, आपका लीवर ठीक होगा, आपका पेनक्रियाज ठीक होगा, आपका पेट ठीक होगा, और पेट ठीक होगा तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आप लोग इन उपायों को ज़रूर करें और इनके लाभ को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, आरोग्यम वेलनेस योग गुरु राजेश पेज को फॉलो करें ताकि आपको सब वीडियो समय समय पर मिलती रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।